न जाने कौन सा रिश्ता कब कौन सा मोड़ ले लेता है। आज मेरा जिस्म जिंदा है लेकिन अंदर की रूह मर चुकी है। बहुत बड़ा बोझ है, आज तक उसको किसी से बयां नहीं कर पाई। इस किताब के जरिए उस गुनाह के असर को जहन से उतारना चाहती हूँ। क्या भाई रवि, मिली कोई Match.com पे? अरे अरे नहीं यार, मैं तो ऐसे ही देख रहा था। मैंने तुझे शमिता के फोटो मेल किए थे, देखे तूने? हाँ नहीं, देख ले एक बार, लड़की अच्छी है, बोलेगा तो बात करा दूंगा। क्यों, खुद से फोन करके मिलना अच्छा नहीं लगता यार। खाता खोल अपना, और एक बार खाता खुल गया तो खेलो जी भर के। तू नहीं सुधरेगा। हेलो, या मैं निकल चुका हूँ, आ रहा हूँ। हाँ
थैंक यू। कुछ पूछना चाहते हैं आप? ये पूछ पूछ, खुल के पूछ, मैं जरा आता हूं। कुछ चाहिए आपको? कुछ चाहिए आपको? काफी गर्म है। सॉरी सॉरी, मैं अपनी दीदी के साथ रहती हूँ। मैं कोई जॉब नहीं करना चाहती, मैं एक हाउसवाइफ बनकर रहना चाहती हूँ। पापा मम्मी कोई नहीं है मेरा, जो भी है रितु दीदी है। एक बात पूछूं आपसे? जी पूछिए। आपने किसी के साथ सेक्स किया है? जी मतलब कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं नहीं किया। और आपने? जी नहीं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। हाँ, सपनों में कभी कभार। कमरा अच्छा लगा ना आपको? डिनर तो आपने कर लिया होगा ना? गाना लगा दूं? गाना? जी गाना। हम क्या डांस करने वाले हैं? वो फिल्मों में देखा है ना, इस तरह की सिचुएशन होती है तो पीछे से गाना बजता रहता है, तो लगा दूं गाना? जैसा आपको ठीक लगे। सुनिए, आपके क्या करीब आ सकता हूँ मैं, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो? जी जैसा आपको अच्छा लगे। एक बात कहें, आप बहुत खूबसूरत हैं। शमिता, शमिता, क्या है? मुझे अंदर आने दो ना यार। क्यों? बस तुम्हें देखूंगा, कुछ करूंगा नहीं यार।
पक्का? सिर्फ देखोगे? इतने शरीफ कब से हो गए तुम? सच्ची यार, अगर छुआ तो? छुआ तो दोबारा अलाउ मत करना। सोचने दो। अरे सोचने में तो तुम्हारी गाड़ी निकल जाएगी। मतलब तुम नहा चुकी होगी, प्लीज आने दो ना। नो चांस, यू आर नॉट अलाउड। प्लीज नो, प्लीज। No, 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 no. क्यों, आज का क्या प्लान है? प्यार। क्या खाओगे? तुमसे प्यार। अच्छा, गवर्नमेंट भी हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी देती ही है, और आप मुझसे इतना ओवर टाइम कराते हो हफ्ते में, ऊपर से कोई छुट्टी भी नहीं देते। जी हम प्राइवेट फर्म में काम करते हैं और हमें सिखाया गया हार्ड वर्क। लेकिन जनाब, मंथ में गर्ल्स को 3-4 दिन तो छुट्टी देनी ही पड़ती है ना? नो छुट्टी। आ नहीं सुधरोगे। हाय, हाउ यू? बढ़िया, तू बता। था कहाँ 2-3 दिन से? शादी के बाद बदल गया तू है? शमिता आने नहीं देती क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 दिन का काम पेंडिंग पड़ा है ऑफिस में, करके आता हूँ। वो तो ठीक है, हमारी पार्टी का क्या हुआ? पार्टी? हाँ पार्टी। कैसी पार्टी? दारू पार्टी। दारू पार्टी? हाँ दारू पार्टी। तेरे से कोई 5-स्टार में पार्टी थोड़ी ना मांग रहे हैं। 2 दारू की बोतल और स्नैक्स बस। ठीक है। हाँ तो कब फिर? जब तू बोल। आज ही? आज? हाँ आज। शमिता से बात करनी पड़ेगी। अभी से बीबी की उंगलियां पकड़कर चलेगा? ऐसा नहीं है, वो इंतजार करती रह जाएगी ना। हाँ तो लगाना कॉल, हम भी देखे अपने शेर को है? हेलो। हाँ आज लेट हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, डिनर करके आऊंगा। ओके, लव यू लव यू। मान गई शमिता। हमारी बीवी तो मानती भी नहीं है। तो ठीक, तो डन फिर। हाँ चल बढ़िया, ओके। मैं एक देसी नुस्खा बताता हूँ। जब कोई लड़की किस करती है और उसकी आंखें खुली रह जाएं, तो समझो वो चालू है। और आंखें बंद हो तो लड़की बढ़िया है, कहीं नहीं जाने वाली वो।
ऐसा सच में होता है? कुत्ते की वफादारी उसके कान खींच के और लड़की की वफादारी उसकी आंखें देखकर पता लगाई जाती हैं। इतना क्या सोच रहा है? एक सवाल मुझे हमेशा सालता रहा है कि मर्द औरत को हमेशा परखना चाहता है, लेकिन क्यों? मेरे जाने के बाद में यहाँ कोई आया था? नहीं, क्यों? कोई मिलने आने वाला था क्या? नहीं, कोई नहीं। सिगरेट भी? वो जब मैं शराब पीता हूँ तो सिगरेट भी पीता हूँ, और ना ही मैं रोज शराब पीता हूँ और ना ही रोज सिगरेट पीता हूँ। एक बात पूछो। जी। सच सच बताओगी? क्या हो गया आपको? नहीं, कुछ नहीं। प्लीज बैठो ना। मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप? बताओ ना। अच्छे लगते हो। बस अच्छा? अरे बाबा, बहुत अच्छे लगते हो। झूठ बोल रही हो ना? है? Why are you behaving like this? अरे बस सुनो, पास आओ ना, आओ ना, आओ ना। रवि, यू आर स्मेलिंग। अरे आओ ना प्लीज, पागल साले। पागल साले। क्या हुआ है तुम्हें? तुम पागल साले। हुआ क्या है आपको? पागल साले, मेरे दोस्त कहते हैं जब लड़की को किस करते समय आंख खुली रहती है तो इसका मतलब उसका किसी के साथ चक्कर होता है या फिर कोई अफेयर हो सकता है। तो तुम्हारी आंखें बंद थी।
शमिता फटाफट तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास चलना है। दी से बात करनी है मुझे। वो तो रास्ते में भी बात कर सकती हो ना। नहीं, मुझे दी से बात करनी है। अरे यार, तुम कोई बात समझती क्यों नहीं हो? लाओ फोन, लाओ अपना फोन। इसकी बैटरी गई हुई है। एक काम करो, तुम लैंडलाइन से कॉल कर लो। हाँ दीदी। कितने दिन हुए? एक महीने से ज्यादा हो गया है। ओके, कुछ चाहिए तुझे? एक बात कहूँ दीदी? हाँ हाँ बोल ना। आप मानोगी ना? मना तो नहीं करोगी? ऐसा क्या बोलने वाली है तू? दीदी आप कुछ दिन के लिए मेरे पास आ जाओ ना। नहीं नहीं नो, प्लीज दीदी आ जाओ ना। नहीं शमिता, नहीं आ जाओ ना दीदी प्लीज। आर यू मैड शमिता? ठीक नहीं लगता। क्या ठीक नहीं लगता दीदी? अगर माँ होती तो नहीं आती क्या? यहाँ आ जाओ ना दीदी प्लीज। यहाँ मैं अकेली, आप भी वहाँ अकेले अकेले, और रवि भी चले जाते हैं और मैं यहाँ अकेली रह जाती हूँ। आ जाओ ना दीदी प्लीज प्लीज। ठीक है, मुझे मुझे सोचने दे। ठीक है। और बहुत सोचने के बाद मैंने जाने का फैसला कर लिया।
दीदी मैं आपके खाने के लिए कुछ बना देती हूँ, आप तब तक फ्रेश हो जाओ। ठीक है। आओ दीदी। अच्छा है। शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है। तुम्हें कहीं चलना है? नहीं। शैतान। जल्दी से इसे पैदा करो, कब तक भूखा रखोगी? बस शैतान हो गए हो ना तुम, दीदी आ जाएगी। अरे यार तुम मेरी बीवी हो। सुनो ना। बोलो ना। भूख लगी है तो खा लो। सच में? फिर से शैतान। अरे भाई जो कोई भी अंदर है बाहर आ जा, मेरी चीज पे मेरा भी तो कोई हक है। दीदी मैं मार्केट जा रही हूँ, आप कुछ खा के रेस्ट कर लेना, मैं शाम तक आ जाऊंगी। मैं चलूँ साथ में? नहीं नहीं कोई इमरजेंसी नहीं है, आप रेस्ट करो। ठीक है। उस दिन से उसने बोलना ही बंद कर दिया। खाओ खा लो।
दीदी हो गया काम? हाँ बस। रहने तो ना, सुबह बाई आके जमा देगी, आप जाके रेस्ट कर लो। कोई बात नहीं बाबा। मेरे ना हाथ पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, मैं जाके पेन किलर खा के सो रही हूँ। कोकोनट ऑयल है घर पे? हाँ है ना दीदी, क्यों? क्योंकि मेरी बहन के हाथ पाँव दर्द कर रहे हैं, मैं मसाज कर देती हूँ और बालों में भी तेल लगा देती हूँ। अरे नहीं दीदी, मैं पेन किलर खा के सो जाऊंगी। शमिता, ऐसी हालत में ऐसी वैसी दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, बच्चे को नुकसान हो सकता है। तू चल, मैं आती हूँ। ठीक है दीदी। आप सोई नहीं? सोई नहीं आप? नींद नहीं आ रही थी। और आप? मुझे प्यास लगी थी। प्यास? हाँ प्यास। अब मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट।
दीदी दीदी शमिता, क्या हुआ शमिता? चक्कर आ रहा है और यहाँ पेन हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा। रवि, रवि प्लीज जल्दी आओ। क्या हुआ शमिता? क्या हो गया? पेन हो रहा, चक्कर भी आ रहा है। कोई बात नहीं, डॉक्टर को बुलाता हूँ। इन्हें कुछ हुआ नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेस है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है जिससे इन्हें नींद आ जाएगी। अगर कुछ होता है तो इन्हें एक दिन के लिए हॉस्पिटल में रखेंगे ऑब्जर्वेशन के लिए। फिलहाल इन्हें रेस्ट की जरूरत है, इन्हें आराम करने दीजिए। स्ट्रेस क्यों? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। हो जाता है कभी कभी, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, आप इन्हें आराम करने दीजिए। चलिए छोड़ आता हूँ आपको। चलिए। मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ, शमिता को सोने दीजिए। मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? मैं खुद कर लूंगी। लाइए ना, मैं करता हूं। मैं कर लूंगी रवि। सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। प्लीज रितु, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, भाग गया था मैं। प्लीज यार, शमिता को कुछ मत बताना। जाने क्या असर पड़ेगा उस पर? शिट। तुमने मुझे गंदा कर दिया रवि। क्या सोचेगी मेरी बहन?
ये क्या किया तुमने? क्यों? सॉरी, बच्चा होने के बाद मैं खुद ही शमिता को बोलूंगा, प्लीज तब तक तुम उसे कुछ मत बताना, प्लीज। रितु, ये क्या कर रही हो? रुको, छोड़ दो मुझे, मुझे नफरत है अपने आप से और तुमसे। मैं अपने आपको खत्म कर लूंगी। छोड़ दो मुझे रवि। रुक जाओ, शांत हो जाओ प्लीज। छोड़ो मुझे रवि। मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। छोड़ो मुझे। शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई और बह गई उस पल में। रवि, रितु दीदी, कैसा लग रहा है अब तुमको? वीकनेस लग रही है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इतना ख्याल मत रखा करो मेरा। तुम कुछ खा लो, मैं लेके आती हूं। ये आपके पास से अजीब सी महक कैसे आ रही है? महक? नहीं तो वो क्या है कि अभी थोड़ी देर पहले ही नहाया है, इसीलिए। छोटे बच्चे ही रहेंगे आप। बाहर चलोगी? आओ आराम से।
ना मैं तुमसे माफी मांग सकता हूँ और ना ही तुम मुझे माफ कर पाओगी। प्लीज शमिता की खातिर तुम अपना ख्याल रखो। मुझे एक जरूरी काम से ऑफिस जाना पड़ रहा है। मैं यहां से जाना चाहती हूं। मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा शमिता को और शायद तुम भी। मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता। रिक्वेस्ट कर सकता हूं प्लीज। दीदी कुछ हुआ क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, आज आपकी नजरें कुछ खोई खोई सी लग रही है। कुछ नहीं, माँ की याद आ रही थी, माँ की गालियां याद आ रही थी। अच्छी लगती थी उनकी गाली। बहुत हिम्मत है आपने दीदी। क्या क्या सहा है आपने इतनी छोटी सी जिंदगी में। तू अपना ख्याल रख, खाना खा, वरना तेरे दर्द से मेरा दर्द बढ़ जाएगा। खा। और मिस्टर रसिकलाल, काम कैसा चल रहा है? कुछ नहीं यार। अरे मिस्टर रसिकलाल, काम क्या कैसी चल रही है? वैसे एक बात बताऊं, ज्यादातर मर्द जब उनकी बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है तो बाहर अपना इंतजाम कर लेते हैं। हाँ तो इसमें बुराई भी क्या है? अरे जब भूख लगेगी तो खाना भी तो चाहिए ना। यार मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। बुरा मान गया क्या यार? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। और शमिता की तबीयत खराब है और मुझे भी घर जल्दी जाना होगा और काम काफी है। सॉरी यार सॉरी, चल मैं चलता हूँ। कोई ना।
अच्छा रवि, मुझे दीदी ने अभी सब बताया। तुम क्या सोच रहे थे मुझे पता नहीं चलेगा? वो सब खाना खाकर क्यों नहीं गए? वो क्या तुम्हें कितनी बार कहा है? क्यों डर गए थे? ये क्या कर रहे हो रवि? I'm sorry. I'm sorry. मुझे माफ कर दो। I'm sorry. बैठो ना दीदी, कुछ बात करनी है। क्या हुआ दीदी?
तुम बैठो ना दीदी, आपसे बात करना है। क्या बात करनी है? अच्छा हुआ रवि भी आ गए, आप दोनों के सामने ही बात करना चाहती थी मैं। क्या क्या हुआ? मैं इतने दिनों से देख रही हूँ लेकिन कह नहीं पा रही हूँ, लेकिन आज मुझे कहना है, ये बात बहुत ज़रूरी है, स्पेशली रितु दीदी के लिए। बोलू ना दीदी? हाँ बोल ना। आप शादी कर लो। ये क्या बोल रही है तू? इसमें गलत क्या है? कब तक आप अकेले ऐसी जिंदगी काटोगे? आपकी उम्र नहीं है अकेले जिंदगी काटने की। देख शमिता, मैं तेरी हर बात सुनूंगी लेकिन दोबारा इस बारे में बात मत करना। मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, कोई गलत बात नहीं है। दीदी शमिता, शमिता 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 शमिता, क्या हुआ शमिता? शमिता रवि को? हाँ तो रुक ना। हेलो हेलो रवि, घर पर प्लीज जल्दी आ जाइए। शमिता को, शमिता शमिता शमिता, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। शमिता शमिता इतना मत सोचो, जो हुआ सो हुआ, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। डोंट क्राई, मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी, मैंने सब खत्म कर दिया। कुछ खत्म नहीं हुआ, हम उसे डॉक्टर के पास जाएंगे। मेरे अंदर पल रहा था वो, मेरे अंदर सांसें ले रहा था वो, मैंने सब खत्म कर दिया। मेरी गलती है रवि, मेरी गलती है। यही है तुम्हारी गलती। मेरे अंदर था वो, मेरे अंदर सांसें ले रहा था, मैंने खत्म कर दिया उसे, मार डाला रवि, मार डाला मैंने उसको। तुमने नहीं मारा उसे?
मैं देख के आता हूँ, तुम बैठो। ये क्या किया तुमने? जो दवा मैंने दी थी वो तुमने खाई? मैंने कहा था ना कि याद करके वो दवा खा लेना, क्यों नहीं खाई तुमने? क्योंकि मुझे नहीं खानी थी। सब कुछ खत्म कर दिया तुमने, इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो? कुछ बोलना है आप दोनों को? या मैं जो समझ रही हूं वो सही है? क्यों किया दीदी? तुम्हारी छोटी बहन थी ना मैं, तो तुम्हारी छोटी बहन, मेरी बहन ने ही मेरा पति छीन लिया मुझसे। सुमिता, ये गलती मुझसे हुई है। आज मैंने अपना बच्चा खोया और ये एहसास भी खो दिया कि मैं कभी मां बन पाऊंगी। और आज ही मैंने अपना पति खो दिया। और आज ही अपनी बहन को भी खो दिया। मैं तुम्हें सब बताने वाला था। आई एम सॉरी। क्या हो गया था बताने से? विश्वास तोड़ा आप दोनों ने मेरा। कोई कोई रास्ता नहीं छोड़ा आपने मेरे लिए। कहाँ जाऊँ मैं? क्या करूँ अपने साथ? क्या मांगा था मैंने? शमिता, क्या कर रही हो तुम?
कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे लिए। पर घबराओ मत, अपने आप को खत्म नहीं करूंगी मैं, इतनी कमजोर नहीं हूं मैं। शमिता, 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 क्या हम अभी बात कर सकते हैं? क्या बात करनी है तुमको? देखो शमिता, जो कुछ भी मेरे और रितु के बीच हुआ वो मेरी गलती है, सजा का हकदार मैं हूँ। इसके लिए ना तुम अपनी बहन को सजा दो और ना अपने आप को। मेरी गलती है और मुझे ही सजा मिलनी चाहिए। तुम जो भी सजा दोगी वो मुझे मंजूर है। क्या सजा दूँ तुमको? जो तुम चाहो। तो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे दोस्त के साथ सेक्स करूंगी। बोलो, मंजूर है? क्यों? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती की है मैंने, सजा तो मिलनी चाहिए। अचानक से इतना बड़ा दिन, तुम मर्दों की यही प्रॉब्लम है। आखिर तुम चाहती क्या हो? बताया ना मैं क्या चाहती हूँ। और इसके बाद सब ठीक हो जाएगा? वो तुम बताओ,
तुम पहले के जैसे सब कुछ ठीक कर पाओगे? मैं प्रॉमिस करता हूं। इसका क्या भरोसा है? नहीं छोड़ पाऊंगी। सॉरी, I am sorry, मुझे माफ कर दो, दोबारा नहीं करूंगा ऐसा, दोबारा नहीं करूंगा ऐसा। Please. मुझे नहीं मालूम कि मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया उसको लेके अब आंसू नहीं बहाऊंगी, आंसू नहीं बहाऊंगी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। आज तुम दोनों के बीच जो भी कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूं। मैं जब राजेश के साथ रिलेशन में थी, मैंने अपनी जिंदगी के बहुत खूबसूरत लम्हे जिए, टूट के प्यार किया उसे, अपना सब कुछ उस पर लुटा दिया, लेकिन उसने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था। मेरा इस्तेमाल कर रहा था वो। टूट गई थी मैं, नहीं बर्दाश्त कर पाई थी वो धोखा। मैंने अपनी फीलिंग्स को मार दिया, जितना जिया तेरे साथ जिया, और तब मैंने सोच लिया था कि अब मैं किसी को भी अपनी जिंदगी में आने नहीं दूंगी। लेकिन ये गलती हो गई मुझसे। जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मैं शामिल हूं। मैंने बहुत रोका खुद को, रोक नहीं पाई। हो सके तो मुझे माफ कर देना। दीदी, माफी मांगने से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ, गहरे जख्मों को निशान आसानी से नहीं जाते। मैं तेरी गुनहगार हूं। हाँ, आप मेरी गुनहगार हैं। रवि मेरा गुनहगार है। रवि, रवि, आप दोनों से एक बात पूछूं, आप दोनों क्या चाहते हैं?
दीदी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपने हमेशा एक माँ की तरह प्यार किया है मुझे। पापा मम्मी के जाने के बाद उनकी कभी कमी नहीं महसूस होने दी मुझे। आपको खोना नहीं चाहती मैं। और अभी वो पहले मर्द है जिनसे मैंने बहुत प्यार किया है। आप दोनों को खो नहीं सकती मैं। रवि, दीदी आप दोनों शादी कर लो। शमिता पागल हो गई है क्या? जो तू कह रही है वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। तो सोसाइटी के लिए दिखावा क्यों? और हम क्या गलत कर रहे हैं? ठीक है, मेरे पास एक रास्ता है कि मैं रवि को तलाक दे दूं और किसी दूसरे रिलेशनशिप में चली जाऊं। पर क्या गारंटी है कि वो इंसान मुझे धोखा नहीं देगा? वो मेरे साथ दोबारा ऐसा नहीं करेगा? या फिर दूसरा रास्ता ये कि मैं आपकी तरह एक जिंदा लाश बन के घूमती रहूं। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे पास रोने का वक्त नहीं है। मैं रोना नहीं चाहती। मुझे जिंदगी जीना है और बहुत अच्छे से जीना है। बहुत अच्छे से जीना चाहती हूँ, मस्ती से जीना चाहती हूँ, और आप दोनों के साथ जीना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूँ तो